मेरे पास यहाँ पर एक मिनी डीजे का ब्लूटूथ सर्किट रिपेयर के लिए आया है। तो ब्लूटूथ सर्किट में एक ब्लूटूथ किट है और यहाँ पर एक 4 इंच का स्पीकर है। तो इस ब्लूटूथ सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, इसमें बैटरी बैकअप बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पर इसका जब बैटरी बैकअप कम हो जाता है तो यहाँ पर ये जो इसका बैटरी है यानी कि सेल, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसका टेप वगैरह हटा दिया हूँ और यहाँ पर जो प्लस और माइनस की जो सप्लाई है, इन दोनों वायर को भी मैं यहाँ पर डिसोल्ड करने वाला हूँ। तो आपके ब्लूटूथ में भी अगर बैटरी संबंधित कोई समस्या है तो आप भी यहाँ पर जो है घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों बैटरी के वायर हैं इनको मैं यहाँ से डिसोल्ड कर दे रहा हूँ। इन दोनों वायर को डिसोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम इसमें न्यू बैटरी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 18650 3.7 वोल्ट का बैटरी इस ब्लूटूथ किट में यूज़ किया होता है। तो यहाँ पर न्यू बैटरी है, इस बैटरी को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका कनेक्टर है जिसपे प्लस और माइनस लिखे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें जो वायर यहाँ पर बैटरी से निकाले हैं। तो यहाँ पर इनको न्यू बैटरी पे हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर इसका प्लस वाला तो ऊपर लग जाएगा, माइनस के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसको कट करके और ये जो प्लास्टिक है इसको रिमूव करके हटा ले रहा हूँ ताकि अपना जो प्लस माइनस के जो वायर है दोनों आसानी से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जो है माइनस वाला वायर मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पर, और पॉजिटिव वायर जो है ऊपर की साइड सॉल्व करना है। तो चलिए दोनों वायर को हम यहाँ पर 3.7 वोल्ट बैटरी पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं माइनस वाला जो है नीचे जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ पर सॉल्व कर लेना है, और प्लस वाला जो है यहाँ पर ऊपर की वायर तरफ सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर को जो है अच्छे से सॉल्ड कर लिए हैं, और इनको यहाँ पर सॉल्ड करने के बाद में यहाँ पर मैं सेलो टेप की मदद से इन दोनों वायर को टैप कर देता हूँ ताकि जब यहाँ पर डीजे के अंदर सर्किट में खिंचाव होगा इधर उधर सेल जो हिले डुले नहीं और वायर जो हमने टूटे नहीं। तो यहाँ पर इस सेल को भी मैं स्पीकर के बैक साइड में यहाँ पर टैप से एकदम पैक कर देता हूँ ताकि ये सेल भी इधर उधर डुले हिले डुले नहीं। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी चेक करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच है, मैं इसको ऑन करते ही यहाँ पर जो ब्लूटूथ है अपना ऑन हो चुका है, और अब इसका बैटरी बैकअप कम से कम 2 से 4 घंटे आसानी से बढ़िया फर्स्ट क्लास चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।